Friends, this is your math book. In today's class, we will do the exercise number 13.4. It's word problem. Number 1, a big petrol tanker had 400 liter of petrol. एक बड़ा पेट्रोल का टैंकर है जिसके जिसमें 400 लीटर पेट्रोल है. टू न्यू टैंकर कंटेनिंग 195 लीटर 766 मिलीलीटर एंड 261 लीटर 377 मिलीलीटर पेट्रोल रिस्पेक्टिवली वर इन्वर्टेड इन द बिग पेट्रोल टैंकर. Now, how much petrol is there in big petrol tanker? तो यहाँ पर देखिए एक big petrol tanker है, उसमें 400 liter petrol है और दो नए tanker हैं जिसमें 195 लीटर 766 मिलीलीटर एंड 261 लीटर 377 मिलीलीटर पेट्रोल है और इसको बड़े पेट्रोल टैंकर में इन्वर्टेड किया गया है. तो अब इसमें कितना पेट्रोल है, अब इसको हम कॉपी पे नोटबुक पे सॉल्व करेंगे. अब हम इस वर्ड प्रॉब्लम को नोटबुक में करेंगे. सबसे पहले आप डेट डालेंगे, एक्सरसाइज नंबर, वर्ड प्रॉब्लम, फर्स्ट जो है उसका फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड लिखेंगे, सॉल्यूशन. तो हम लिखेंगे अब पेट्रोल इन बैग बिग टैंकर, पेट्रोल इन बिग टैंकर कितना है, 400 लीटर. ऊपर लीटर लिख देते हैं हम और यहाँ पे एम मिलीलीटर लिख देते हैं. तो ये 400 हो गया और मिलीलीटर नहीं है तो हम उसकी जगह 0 लगा देंगे, 30 लगाएंगे. अब यहाँ पर 2 टैंकर हैं तो पेट्रोल इन वन टैंकर या फर्स्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट टैंकर लीटर 766 मिलीलीटर है, पेट्रोल इन सेकेंड टैंकर, सेकेंड टैंकर में 261 है, 377 मिलीलीटर. तो दोनों जो टैंकर में थे उसको बड़े टैंकर में उड़ेल दिया गया तो कितने हैं अब. तो अब यहाँ पे पेट्रोल पूछा गया है कि हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन बिग पेट्रोल टैंकर. तो पेट्रोल इन बिग टैंकर टोटल पेट्रोल सिक्स को सेवन से प्लस किया 13, सिक्स को सेवन से प्लस किया अगेन 13 आया और वन जो कैरी आया था ऐड किया 14 हुआ, 14 का वन जो है जाएगा आगे, सेवन प्लस 3 10 और 10 प्लस 1 11, 11 का वन वन कैरी के लिए फॉरवर्ड होगा, 5 प्लस 1 6, 6 में वन प्लस किया 7, 9 प्लस 6 15, 15 का 5 आ गया वन कैरी के लिए जाएगा, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, 7 और 1 8, आंसर आ गया 857 लीटर 143 मिलीलीटर. अब सेकंड है आपका, 3 पैकेट्स ऑफ रिफाइंड ऑयल कंटेनिंग 3 लीटर 309 मिलीलीटर 10 लीटर 263 मिलीलीटर एंड 9 लीटर 506 मिलीलीटर रिस्पेक्टिवली. मतलब कि 3 पैकेट्स हैं रिफाइंड ऑयल के तो उसमें ये इतना ऑयल है
स्पेक्टली वी पॉर्ड इन अ प्लास्टिक कंटेनर, फिर उसको पॉर किया गया यानी उड़ेला गया प्लास्टिक कंटेनर में. नाउ व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ रिफाइंड ऑयल इन द प्लास्टिक कंटेनर. अब वहाँ पे क्वांटिटी का पता लगाना है, तो आप क्वेश्चन नंबर टू, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो लिखेंगे. फर्स्ट वर्ड थ्री डैश डैश लास्ट कंटेनर. सॉल्यूशन है हमारा, अब यहां से सॉल्व करेंगे. ऑयल इन फर्स्ट पैकेट, तो लीटर एंड मिलीलीटर, 3 लीटर 309 मिलीलीटर. ऑयल इन सेकंड पैकेट, टेन लीटर 263 मिलीलीटर. ऑयल इन थर्ड पैकेट, 9 लीटर 506 मिलीलीटर. तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसको टोटल ऑयल इन थ्री पैकेट्स, तो हम इसको ऐड कर देंगे. 9 प्लस 3 12 12 को 6 से प्लस करेंगे 18 हो जाएगा. 18 का 8 आया, 1 कैरी के लिए फॉरवर्ड करेंगे. 1 0 से किया 1, और या तो हम 0 से 6 को पहले प्लस करते हैं 6, और 6 से 0 को करेंगे अगेन 6. 1 कैरी प्लस करते हैं 7, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10 हो गया. 10 का 0 आएगा, 1 कैरी के लिए जाएगा आगे. 3 प्लस 0 3, और 9 प्लस करेंगे 12 आ गया. सॉरी, ये 1 कैरी भी प्लस किया जाएगा. 13 का 3, 1 कैरी के लिए फॉरवर्ड किया. अब देखो यहाँ पे 1 के ऊपर भी नहीं है कोई, 1 के नीचे भी कोई डिजिट नहीं है, तो 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे कैरी के साथ, 23 हुआ. तो टोटल आंसर क्या आया, 23 लीटर एंड 78 मिलीलीटर ऑयल. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 3. अ डीजल टैंक हैड अ कैपेसिटी ऑफ 900 लीटर, टू स्मॉल टैंकर हैविंग 430 लीटर 360 मिलीलीटर एंड 291 लीटर 469 मिलीलीटर ऑफ डीजल आर पॉर इनटू इट. मतलब एक डीजल टैंक में कैपेसिटी 900 लीटर की है, ठीक है, यानी उसमें 900 लीटर डीजल आता है. तो दो छोटे टैंकर हैं जिसमें इतना डीजल है, और पॉर यानी उड़ेला गया है उसके अंदर, इसमें कैपेसिटी बताई है, ध्यान रखना है. हाउ मच मोर डीजल कैन द टैंक होल्ड. तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इसमें अभी और कितना आ सकता है. तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल अभी कितना है, फिर जो टोटल आएगा इन दोनों से उसको हम 900 से लेस कर देंगे, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा आंसर. तो सबसे पहले हम आर डीजल लास्ट का वर्ड लिख देते हैं होल्ड. तो डीजल इन इन फर्स्ट टैंकर कितना है, 430 एंड 360 डीजल इन सेकेंड टैंकर, तो सेकेंड टैंकर में कितना है,
291, 469. तो इसका हम पहले टोटल निकाल लेते हैं. टोटल डीजल इन बोथ टैंकर, तो प्लस कर लेते हैं हम. 0 + 9, 9. 6 + 6, 12. 12 का 2 आएगा, 1 कैरी के लिए जाएगा. 3 + 4, 7. 7 + 1, 8. 0 + 1, 1. 3 + 9, 12. 12 का 2 आयेगा, 1 कैरी के लिए गया. 4, 2, 6, 1, 7. तो टोटल इतना हो गया. ठीक है, तो अब हम इसमें पता लगाने के लिए कि अब कितना है, अब इसमें हम लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ अ टैंकर. कितना है उसका कैपेसिटी? 900 मिलीलीटर तो बताया नहीं है. और इसमें कितना पावर किया गया है? पावर डीजल इन, पावर डीजल इन टैंकर कितना किया गया? 721 and 829 मिलीलीटर. अब इसमें हमें पता लगाना है कि अब कितना रह गया है, यानी मोर या क्वांटिटी ऑफ डीजल रिमेन लिख देते हैं हम. या हाँ, क्वांटिटी ठीक रहेगा, क्वांटिटी लिख देते हैं. क्वांटिटी डीजल रिमेन अब कितना रह गया, तो इसको माइनस कर देंगे. ठीक है, जीरो से नहीं जाएगा, तो यहां से बोरो किया जाएगा. ये आपने ध्यान देना. तो यहां से बोरो करते हुए लेके जाएंगे, तो आपको मैंने कई बार बताया है कि 10 बनेगा, फिर जब देगा तो 9 आ जाएगा. ऐसे करते हुए यहाँ पे ये 10 बना है, 10 से 9 को किया 1, ये 9 बन जाएगा जब इसको देगा तो. 9 से 2 को किया 7, ये भी 9 बन जाएगा. 9 से 8 को किया 1, 9 से 1 को किया 8 और 9 से 2 को किया 7, क्योंकि इसने इसको दिया था तो यहाँ पे इसके पास एक कम है 8, 8 से 7 को किया 1. ठीक है, तो अब उसकी कैपेसिटी कितना रह गया उसमें करने के लिए? 171 मिलीलीटर. ठीक है, आंसर में ये आ जाएगा आपके. ओके, तो आपने इसको कॉपी में कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस भी करना है.